हेलो दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल क्रैक स्टेट पीसीएस। आज की डेट है 9 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की, जिसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया APEMC यानी कि आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन इंडिया का पहला वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रेड और ऑरेंज कैटेगरीज में आया करती थी और वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर लिक्विड वेस्ट, एयर पोल्यूटेंट्स एंड हैजार्डियस एंड नॉन हैजार्डियस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट किया करती थी। यह वेस्ट सीधा वाटर बॉडीज में जाके मिलता था जो कि काफ़ी हार्मफुल है पॉपुलेशन के लिए। सो इट वॉज क्रिएटिंग अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर दी गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने APEMC को लॉन्च किया सो दैट इंडस्ट्रीज जिनके पास अपना खुद का ओन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, वे लोग APEMC को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड APEMC उस वेस्ट को उनके पास से कलेक्ट करेगा एंड सेफली डिस्पोज करेगा। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वेस्ट को डिस्पोज करने का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, IAF ने एक नया एयरबोन रेस्क्यू पॉड अर्पित लॉन्च किया है जो कि COVID-19 के पेशेंट्स के इवैक्यूएशन के लिए है। अपने देश में काफ़ी ऐसी हार्ड टेराइन वाली जगह है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मुश्किल होता है एंड सो और अगर वहाँ पर कोई COVID-19 पेशेंट मिलता है, उन COVID-19 पेशेंट्स को जब उस रिमोट एरिया से ट्रांसफ़र किया जाता था तो इन्फेक्शियस एयरसोल के स्प्रेड होने का काफ़ी खतरा बना रहता था। सो इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिजीनियस एयरबोन रेस्क्यू पॉड डिज़ाइन और डेवलप किया जो COVID-19 के पेशेंट्स को हाई एल्टीट्यूड एरियाज या आइसोलेटेड और रिमोट प्लेसेस से ट्रैवलिंग में मदद कर सके। इसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाया गया है और इसकी कॉस्ट केवल 60,000 हुई है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यह अर्पित पॉड है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें 15 दिन के अंदर अपने अपने घर पहुंचा दिया जाए। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज़ को आदेश दिया है कि जो भी वर्कर है उन्हें सबसे पहले 15 दिन के अंदर अपने घर पहुंचा दिया जाए। इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री को श्रमिक ट्रेन प्रोवाइड करने का ऑर्डर दिया है विद इन 24 आवर्स। इन द थर्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्थ डेस्क इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इन द फोर्थ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को काउंसिल सेंटर्स अरेंज करने के लिए भी ऑर्डर किया है जिससे जो ट्रांसपोर्टेड वर्कर्स हैं वो अगर वापस ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसका भी उन्हें उपाय बताया जाए और उनके कमाई की व्यवस्था की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लॉकडाउन के दौरान जो भी वर्कर्स के ऊपर लॉकडाउन तोड़ने के कारण जो भी केस फाइल हुए थे उन्हें भी विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 से यह पावर है कि वह स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है जिसके तहत सेंटर और स्टेट वह कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक, अडानी ग्रीन एनर्जी इज विन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड वर्थ $6 बिलियन। इंडिया के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था जिसके अंदर 8000 मेगावाट के फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बनाने थे और एक
डोमेस्टिक सोलर पैनल का निर्माण करना था जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट का था, जिसको अडानी ग्रीन एनर्जी ने जीत लिया है। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की है। कहा जा रहा है इससे करीब 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक में सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ इंपोर्ट ऑफ अनटेस्टेड ड्रग अंडर ट्रायल, यानी कि कोई भी अनटेस्टेड ड्रग इनका ट्रायल फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है उन्हें इंडिया में इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को अमेंड करने जा रहा है। इस अमेंड के तहत कोई भी गवर्नमेंट और मेडिकल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिसिन को इम्पोर्ट्स कर सकता है जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को क्योर करने में मदद करेगी। यह स्टेप COVID-19, जेनेटिक डिजीजेस, पेडियाट्रिक डिसऑर्डर्स और रेयर डिजीजेस जैसे केसेस में क्योर करने में काफ़ी मदद करेगा। सो दोस्तों, आज का लेक्चर में यही था। आज हमने देखा APEMC जिसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, सेकंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडिजीनियस डेवलप अर्पित जो कि एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है उसके बारे में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 से जो पावर मिलती है उसके बारे में, एंड दी नेक्स्ट अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में जिन्हें $6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक अनटेस्टेड ड्रग ट्रायल के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।